नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। झांसी बदलाव का शहर है, खूबसूरत शहर है और इस शहर की शाम का तो कहना ही क्या है। हर सड़क शाम के समय पूरी बदली नजर आने लगती है। यह जो सड़क देख रहे हैं आप, यह शहर से बीकेडी की तरफ जाने वाली सड़क है जिसे आतिया ताल की सड़क कहते हैं और यहाँ पर आपको खाने पीने की कई सारी जो दुकानें हैं साइड में वो नजर आती हैं और हम आपको इन दुकानों के साथ में जो तालाब का नज़ारा है रात का वो दिखाते हैं। स्मार्ट सिटी झांसी के तहत इस तालाब के सुंदरीकरण का तो कार्य किया गया है लेकिन यहाँ की रख रखाव की व्यवस्था खराब होने से आप देख सकते हैं यहाँ जो एक मूत्रालय था उसे जब तोड़ा गया तो उसके बाद से लोगों ने ये जो अंदर का इलाका है यहाँ पर ऊपर टीन सेट लगने हैं, रंगीन रोशनी होने हैं, यहाँ पर आने वाले पर्यटकों का यह रास्ता है और इसे पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि शौचालय में तब्दील कर दिया गया है। ये यहाँ देख सकते हैं लेकिन लोगों का सवाल भी है कि यहाँ जो मूत्रालय शौचालय माफ करें बनाया था वो तोड़ने से आसपास के जो लोग हैं, राहगीर भी हैं, वो फिलहाल परेशान हो रहे हैं, उनके सामने कोई ऑप्शन नहीं है। लोगों का कहना है कि ये खाली स्थान है, सड़क किनारे है, हम लोग न चाहते हुए भी यहाँ लोग शौचालय कर देते हैं। फिलहाल यह नज़ारा बहुत खूबसूरत जिस तरह से है उस तरह से नगर निगम को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को इस बात का ध्यान देना चाहिए कि जो शौचालय कॉर्नर पर था उसे जब तक उसकी वैकल्पिक व्यवस्था ना हो जाती उसे नहीं तोड़ा जाना चाहिए था या कोई वैकल्पिक व्यवस्था यहाँ के लोगों के लिए ज़रूर बनने चाहिए क्योंकि लगातार गंदगी फैल रही है। हालांकि यहाँ देख सकते हैं कि बहुत तेज़ी से जो कार हो रहा है, बीच का जो पाथवे है इस पाथवे को पूरी तरह से बदलने की तैयारी चल रही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं अंदर तो जो पानी में रंगीन फव्वारा चलता है वो तो है ही लेकिन ये जो पाथवे है आतिया ताल का इसे अब ऊपर इसके तीन सेट लगाए जाएंगे, दोनों तरफ की लाइटिंग है, रेलिंग लग गई है और यहाँ पर जो निर्माण होना है उसकी तैयारियाँ चल रही हैं। और ये जो अंदर से आप खूबसूरत नज़ारा देख रहे हैं आतिया ताल का, ये बड़ा ही खूबसूरत दिखाई देता है। यहाँ से आप देख सकेंगे कि जो पानी के अंदर रंगीन फव्वारा चलता है वो कितना खूबसूरत दिखाई देता है और यह पाथवे भी खूबसूरत है। लेकिन सवाल यही है कि हम जब स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत किसी कार्य को करते हैं तो उसके अल्टरनेट भी ध्यान में रखना चाहिए। ये रात के समय का आतिया ताल के आसपास का खूबसूरत इलाका है और बीच में यह जो आप देख रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति लगी हुई है, चारों तरफ अब इस प्रकार से लाइट होने लगी है, जब पानी में भी मूर्ति लाइट में जलती नजर आती है, ऊपर भी हिस्से में आती है और आसपास का यह नज़ारा पूरे जो तालाब की दीवारें हैं आखिरी में वो देख सकते हैं कितनी सुंदर नज़र आने लगी हैं और ये झिलमिल रंगीन फव्वारा नज़ारा बहुत खूबसूरत आकर्षक मन को मोहने वाला हो गया है। आप इस खूबसूरत दृश्य को यहाँ आकर देख सकते हैं कि पानी में किस प्रकार से रंगीन रोशनियाँ बिखर रही हैं, खूबसूरत नज़ारे हो गए हैं लेकिन जो कमी है उसे भी फिलहाल प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि मूत्रालय को जो तोड़ दिया गया है उससे पाथवे पर लोग गंदगी कर रहे हैं, इसके लिए भी प्रशासन को, नगर निगम प्रशासन को ज़रूर ध्यान देना चाहिए।
तो ये झांसी के खूबसूरत आतिया तालाब का जो आप नजारा देख रहे हैं, इसने दिखा दिया है कि स्मार्ट सिटी झांसी में किस प्रकार से खूबसूरत कार होते हैं और रात के समय झांसी की तस्वीर कैसे बदल रही है। यह झांसी स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट से आप समझ सकते हैं। यह नजारा आप देख रहे हैं, यहाँ से सामने आपको जो आतिया ताल की सड़क है वो दिखाई देगी भागदौड़ करती, और यह तालाब का खूबसूरत लुक, बदलता लुक, अंदर का यह नजारा देख रहे हैं। जो अंदर का पाथवे है उसके निर्माण का जो कार्य चल रहा है, यहाँ पर कई सारा सामान डला हुआ है, ये पानी का फव्वारा, खूबसूरत नजारा, ये झांसी का बदलता स्वरूप है। मार्केट संवाद की रिपोर्ट, झांसी।